हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। हम सब एक हैं। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं जिलाधिकारी दफ्तर के सामने। कई दिनों से व्यापारी जो जलगांव के हैं, लगभग 20 मार्केट्स हैं जिनकी समस्याएं हैं, और इस 20 मार्केट के लोग इतने पर ज़्यादा परेशान हो चुके हैं सभी व्यापारी कि अब आंदोलन कर रहे हैं। कोई ऐसा सीधा आंदोलन नहीं है, इन लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है। 20 मार्केट्स में सन्नाटा है। ये लोग अपनी रोज़ की कमाई, जहाँ से रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, वो चीज़ों को बंद कर दिया है। तो ज़रूर कुछ न कुछ बात ऐसी ही होगी जो इनको इतना बड़ा आंदोलन और इस स्तर पे आंदोलन करना पड़ा है। बेसिक जानकारियाँ क्या है, फुले मार्केट है या फिर जो भी मार्केट्स हैं, उस बारे में ज़्यादा जानकारी और विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ आंदोलन करने वाले और व्यापारियों के जो प्रमुख लोग हैं, कोर कमेटी के जो मेम्बर्स हैं, वो मेम्बर्स हमारे साथ हैं। इनसे जानकारी लेते हैं कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। सर, आपसे जानकारी ये लेना चाहेंगे कि फुले मार्केट हो या कोई दूसरा मार्केट हो, वो आप लोगों को मिला कैसे था, किस तरीके से आप लोगों को मिला था और आज की परिस्थितियाँ क्या है? 1992 में नगरपालिका ने हमारे सब जितने भी गाड़ी धारक हैं उनको ये जो गाड़े हैं वो दिए थे भाड़े से। उस वक्त वो जो भी ज़मीन है, ज़मीन और कंस्ट्रक्शन का जो भी खर्चा है, उस पूरा पैसा नगरपालिका में जमा किया हमारे लोगों ने, गाड़ीधारकों ने। और वो भी मतलब कायम डिपॉजिट के लिए, वापस नहीं मिलेगा हमारे गाड़ीधारकों ने। हाँ, ऐसी उनकी शर्त थी। वो शर्त के मुताबिक हमारे लोगों ने पूरा पैसा जमा कर दिया। उसके बाद उन्होंने करार करके दिया, कहाँ 9 साल का, कहाँ 15 साल का, कहाँ 20 साल का, कहाँ 25 साल का, 30 साल का, इस तरह से करार करके दिए उन्होंने। फिर 2012 तक बिल्कुल सही हमारे लोग जो भी नियम से जो भाड़ा था वो भाड़ा भरते आए, जितने प्रकार के टैक्सेस हैं वो टैक्सेस भी भरते आए। 2012 तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर 2012 के बाद उनका ध्यान गया कि भाई ये गाड़ों में से ये जो अपने दुकानें हैं, ये दुकान जो भी अपने गाड़ी धारक हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसा निकले, वो सोच उनके दिमाग में चल गई। ये सोच किसकी? क्यों ये सब जो अभी सत्ताधारी हैं महानगर पालिका में, उनकी सोच है। क्योंकि उनका ऐसे कहना है कि 2012 से नगर पालिका, महानगर पालिका आर्थिक जो है आर्थिक मुसीबतों में आई है। तो फिर उनको सिर्फ ये हमारे गरीब जो मध्यम वर्गीय है, फिर जो अल्प जो बोलते हैं अपन इकोनॉमिकली, हाँ, उनको ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा बिल भेजे गए। 2012 तक कुछ प्रॉब्लम नहीं था। 2012 के बाद हमारे लोगों ने बहुत बार जाकर रिक्वेस्ट किया कि फिर से हमें एक करार करके दो, करार मुद्दत बढ़ा के दो, हमारे ये जो भी गाड़े हैं उनकी। लेकिन उन्होंने बढ़ा के दिया नहीं। फिर हम लोगों ने जो रेगुलर भाड़ा चलता था 2012 तक, उसके मुताबिक भाड़ा और टैक्सेस जाकर नगरपालिका के जो भी अधिकारी थे उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम ये हमारे पैसे जमा कर लो आप, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। फिर बाद में हमारे लोगों ने चेक्स भेजे, तो चेक्स का जवाब आया कि हमने तुमसे मांग नहीं किए हैं इसलिए हम तुम्हारे चेक्स वापस भेज रहे हैं। तो उनका मतलब षड्यंत्र ऐसा था कि ये लोगों को बदनाम करने का कि ये लोग भाड़ा भरते नहीं, ये ज़बरदस्ती इन्होंने गाड़े अपने कब्जे में रखे हैं, खाली भी नहीं करते हैं, भाड़ा भी नहीं देते हैं। ऐसी जनता की दिशा भूल करने के लिए और न्यायालय की दिशा भूल करने के लिए ये सब षड्यंत्र उन्होंने किया। आज भी हमारे लोग पूछ रहे थे उनको कि भाई हमें जो भी जो पहला भाड़ा है उसमें और कुछ परसेंट बढ़ा के दो, क्योंकि ये जो लोग हैं आप देखते होंगे, एक तो जागतिक मंदी है व्यापारियों में, तो उसमें भी ऐसे कुछ मार्केट्स है कि उनको अव्यवसायी मार्केट्स कहा गया है। वो ठहराव है वहाँ 135 का, वो ठहराव के मुताबिक जितने भी गाड़े हैं वो सब अव्यवसायिक है, 14 मार्केट जो है वो। तो ये फुले मार्केट हो या सेंटर फुले मार्केट हो, बाकी की जितने भी मार्केट्स हैं
ये दिन भर मेरे ख्याल से अगर मार्केट खुले मार्केट छोड़ दिया वहाँ भी क्या समझो 1000 रुपये रोज बड़ी मुश्किल से कमाते होंगे, लेकिन बाकी जो मार्केट्स हैं शाहू मार्केट है, भास्कर मार्केट है, अम्बेडकर मार्केट है, ये जितने भी छोटे छोटे मार्केट्स हैं वहाँ दिन भर कुछ काम करने के बाद में 400-500 रुपये कमाते हैं, मतलब महीने के 15,000 समझो 15,000 कमाते हैं। फिर उस 15,000 में ये जो गाड़ी धारक है हमारे, फिर उनका फैमिली का मैटर्स है, बच्चे हैं, उनके कपड़े हैं, शिक्षण है, बीमारियां हैं, स्कूल्स है, उनके माता पिता जो बूढ़े हो चुके हैं उनको संभालना है, उनकी दवा दारू करनी है, वैसे ही जो लड़के लड़कियां बड़ी हो चुके हैं उनके शादी का प्रॉब्लम्स है, ये सब उनको ये देखना है। 2012 तक बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 2012 के बाद फिर इनकी नीति बदल गई, तो अभी फिर आखिरी में हम लोग परेशान हो गए, क्योंकि पेपर में आता है, उनके नोटिसेस आती हैं कि गाड़ी जब्त किए जाएंगे, इनका लिलाव किया जाएगा, तो ये लोग इतना भाड़ा मतलब लाखों के बिल्स उन्होंने भेजे हैं, जो पहले 6,000 रुपये एक साल का भाड़ा था उनके मुताबिक अभी उन्होंने जो नए बिल भेजे हैं उसके मुताबिक अभी 1.5 लाख रुपये साल का भाड़ा है, मतलब 1.5 लाख अगर अपन समझते हैं तो महीने का कितना होता है आप हिसाब करो, मतलब जो कमाई है महीने भर की दिन भर बैठ के कष्ट करके वो सब उन्हें भाड़े में जाएंगे तो ये लोग खाएंगे पिएंगे क्या? अच्छा वो जब्त किया उन्हें लिलाव किया तो फिर लोगों का क्या? ये जो हमारे गाड़ी धारक हैं उनके फैमिली, बाद में वहाँ जो काम करते हैं उनकी फैमिली, ये सब उस पर डिपेंड है वो सब गाड़ों पर, और करीबन 40,000 लोगों का ये सवाल मसला है, लेकिन महानगर पालिका दिन ब दिन एक नए नए ठहराव कर रहे हैं ये गाड़ी धारकों के खिलाफ, आखिरी में फिर ये हमें कदम उठाने पड़े, आंदोलन करना पड़ा। आप जानते हैं कि 20 तारीख को हमने जो महामुख मोर्चा निकाला, बहुत बड़ा मतलब जलगांव जिले के इतिहास में इतना सपोर्ट हमें कहीं नहीं मिला मतलब। तो उसके बाद फिर हमने धरना आंदोलन जो है कलेक्टर साहब को एक दिन पहले मिले मुख मोर्चा के दिन को हमने निवेदन दिया, उसके फिर कल हमने धरना आंदोलन किया, मुंडन किया, कुछ लोगों ने आत्महत्या करने की तैयारी दिखाई, और आज फिर हम फिर से हमने मानवी साखड़ी का प्रोग्राम है, और कल से आमरण उपोषण की तैयारी है। तो यहाँ कुछ लोग इतने परेशान हैं, एक किस्सा मैंने सुनाया था कि एक रईस भाई करके शाहू नगर जुना पुराना शाहू मार्केट है, वहाँ बेचारा रिक्शा का दुरुस्ती का काम करके 400-500 रुपये रोज कमाता था, उसके 2 बच्चे 2 बेटियाँ उसकी पत्नी पत्थर के शेड में रहते हैं शाहू नगर में, तो वहाँ उसका वो जो दुकान है 8x6 का दुकान है महानगर पालिका का, वहाँ वो काम करता है, तो उसको भी 1,00,000 रुपये की नोटिस आई। उसके बेटे का यूनिफॉर्म जो स्कूल का है वो फट गया है, बहुत जगह फटा है, उसने बेटे ने बोले अब्बू मुझे मेरा सब ड्रेस फटा हुआ है तो मुझे नया ड्रेस चाहिए, तो अब्बू बोलता बेटा बोले अब तो हम नहीं ले सकते, जो फटा हुआ ड्रेस है उसी को सिला के काम चला रहो बोले। वो लड़का मायूस हो गया, उसकी आंखों में आंसू आए, और वो लड़का चुपचाप स्कूल में चले गया। शाम में जब वापस आया तो देखा उसने उसके अब्बू मरे हुए हैं, बाजू में चिट्ठी पड़ी हुई है, चिट्ठी खोली उसमें देखा कि बाप ने लिखा है कि बेटा तूने जो मांग की थी नए ड्रेस की मैं ले नहीं सका, क्योंकि ये जो हमारा गाड़ा है जो दुकान है ये आयुक्त साहब जब्त करने वाले हैं, उसका लिलाव करने वाले हैं, तो हम कहाँ से लाएंगे पैसा। बोले भाई कपड़े तो क्या, मैं तुमको पेट भर खाना भी नहीं खिला सकूँगा, ये बोले मैं परेशान हूँ और तुम्हारा दुख मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये दर्द मुझे बहुत दर्द हुआ, इसलिए मैं इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। तो ऐसी परिस्थिति है हमारे गाड़ीदारों को कि सर कहता है कि 40 नंबर का ठहराव, ये बहुत बार अखबारों में भी आ चुका है, पब्लिक ये जानना चाहेगी कि 40 नंबर का ठहराव क्या है, एक्चुअल में उसमें क्या है। 40 नंबर के ठहराव में ऐसा है साहब कि इन लोगों ने उसमें लिलाव और जो 5-5 दंड का उसका प्रावधान किया था, इनके पास पूरे था यानी जो इनकी मेजॉरिटी होनी चाहिए थी वो भी नहीं है, तो इसलिए इनके पास उसमें पुलिस FIR भी दर्ज है, राष्ट्रवादी दिन इनको पाठिमा नहीं दिया था, उसके बाद भी इन्होंने ज़बरदस्ती उससे पाठिमा लिखवा लिया और वो 40 नंबर के ठहराव में ये अपना लीलाव और 5-5 दंड का प्रावधान रखा गया है। ये ठहराव करता कौन है? कॉर्पोरेशन करती है ये ठहराव, इनके पास कैसे कि मेजॉरिटी चाहिए, इनके पास मेजॉरिटी नहीं होने के बावजूद भी इन लोगों ने वो ज़बरदस्ती लादा गया है,
कि इसमें राष्ट्रवादी ने उनको बाद में बोला गया था कि हमारे पास कुछ सुनाई नहीं दिया, इसलिए हमने बाद में इसको पाठिंबा दे रहे हैं, ऐसा उनका बोलना है। उसके बारे में पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है, उसका पूरा CD हम लोगों के पास है, पूरे प्रूफ से हम लोगों के पास है। और दूसरे दिन अखबारों में भी आया था कि 40 नंबर का ठहराव रद्द हो गया है, लेकिन उन्होंने वापस से उसको पारित कर दिया है। क्या आप इसको मानेंगे कि सरकार के तरफ से जो आयुक्त है यहाँ वो और साथ उनसे में जो सत्ताधारी है वो उनसे इन दोनों की मिली भगत है? उनसे कई बार ये निवेदन किया था कि इसमें ये कुछ है ही नहीं, तो फिर उन्होंने वापस उसको हमने स्टे दिलवाया था, अब वो स्टे इन लोगों ने विखंडित करवाया है कॉर्पोरेशन से। एक्चुअल बात ऐसी है कि महानगर पालिका ने 2012 में जो सब मार्केट का करार करना चाहिए था वो नहीं किया, वो उन्होंने इस तरीके से किया कि हर मार्केट का करार 2012 में नहीं ख़त्म होने वाला था, जो जिसका 2008 में, जिसका 2009 में, इस तरीके से करार ख़त्म होने वाला था, पर सबकी मिलीभगत करके उन्होंने 2012 में ये सबके करार एक साथ ख़त्म किए। वहीं से उनका खेल शुरू हो गया महानगर पालिका का, और उनके बाद उन्होंने हर एक अपना अपना अलग अलग ठहराव पारित किए, जो कॉरपोरेशन में करने के बाद उन्होंने हमारे ऊपर एप्लीकेशन करना चालू कर दिया। जो पहला ठहराव उन्होंने 1231 कर किया था, उसके अंदर 99 साल का हमारे लिए प्रावधान किया था कि 99 साल का आपको यहाँ लीज करके मिल जाएगा, और कुछ रेडी रखनर के हिसाब से आपको भाड़ा दिया जाएगा। पर वो उन्होंने कर तो दिया, पर उसका यानी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। फिर उसके बाद में वो नहीं हो पाया, उन्होंने कारण दिया कि भैया आयुक्त बदल गए, उनकी सिग्नेचर नहीं हुई, और इस तरीके से उन्होंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद में उन्होंने 40 नंबर का ठहराव किया, हम लोगों ने पहले उसके बिल अदा करने की कोशिश की, उनको बिल दिए और उनको कहा कि हमारा जो बिल है वो तो आप ले लो, ताकि हमारा कंटिन्यूशन में आपके लिए बोझा ना हो, जलगांव के लिए जो सुविधा आप देना चाहते हो वो कंटिन्यू आ जाए। पर उन्होंने हमारा बिल स्वीकार नहीं किया, हमने चेक भेजे थे वो स्वीकार नहीं किए, वापस भेज दिए। फिर हमने 2014 में उनको फिर रिमाइंड किया कि आपका पुराना बिल हमारे तरफ बाकी है, 2012 का और 2013 का हम एक साथ आपको भेजते, वो भी उन्होंने नहीं लिया। ऐसे करते करते फिर 2014 में उन्होंने 40 नंबर का ठहराव पारित किया। 40 नंबर के ठहराव के अंतर्गत उन्होंने हमारे ऊपर 5 पट दंड, जो बिल उन्होंने रेस किए थे उसके 5 पट दंड हमारे ऊपर लगाया, और वो बिल हमारे को दिए उन्होंने, वो भर सके तो नेचुरल हमारे ऊपर रेडी रेकनर के हिसाब से उन्होंने एक दुकान का बिल कम से कम 50,000 रुपये ऐसा निकाला हुआ था, और उसके 5 पट 2.5 लाख रुपये होता था, तो ऐसा बिल भरना पॉसिबल नहीं था, किसी के लिए पॉसिबल नहीं था, जबकि दुकानदार एक महीने का 50,000 भी कमाता नहीं है यहाँ पे, तो फिर वो 2.5 लाख रुपये कहाँ से भर पाएगा, ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए लोगों ने पैसे नहीं भरे। तो उनका हेतु बहुत सीधा था कि हम लोगों को डिफॉल्टर घोषित करें, ताकि हम डिफॉल्टर होने के बाद वो हमारे ऊपर केस दायर करे और हमें इनलीगल करार देते हुए यहाँ से विस्थापित कर दे, उनका सीधा सीधा यही उद्देश्य था, और वो उद्देश्य में सफल हो गए। उन्होंने 40 नंबर का ठहराव पारित करते हुए प्रशासन की तरफ भेज दिया, और वहाँ से वो पास करते हुए हमारे पास आया, तो हम लोगों ने उसके ऊपर स्टे मांग लिया, प्रशासन ने उसको स्टे दिया। स्टे देने के बाद 2 साल निकल गए, 2 साल में उन्होंने फिर वो अभी बिल हमारे ऊपर रेज किया, 2 साल के बिल हमारे हो गए, ऐसे कुल टोटल मिला के 5 साल के बिल हो गए, कई लोगों को 1-1 करोड़ के बिल आ गए। अब 1 करोड़ का बिल हम भर तो नहीं सकते, इसलिए हमने 5 साल होने के बाद कुछ बड़े लोगों ने हमें ये अपील किया कि आप इसके अंदर हरकत लेके कुछ बिल पेड कर दो, तो हम लोगों ने सबने ये ठहराया कि अपन कुछ बिल पेड कर लेंगे, और हम लोगों ने हमारे मार्केट में से कम अभी तक 20 करोड़ रुपया इस बिल के अगेंस्ट हमने दिया हुआ है, जबकि हमारा इतना बिल देना नहीं लगता है, फिर भी हमने 20 करोड़ रुपया मार्केट ने जमा करके भाड़े के इसमें नगर पालिका महानगर पालिका को हमने पेड किया, और ये करने के बावजूद भी वो लोग हम लोगों को हर वक्त धमकी देते रहते पेपर में कि हम आपके ताले लगा देंगे, रात को 12 बजे ताले लगा डालेंगे और आपके दुकान लिलाव कर डालेंगे और आपको यहाँ से निकाल डालेंगे। हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ नगर पालिका हम लोगों को प्रस्तापित कर रही है या विस्थापित कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है। जलगांव छोड़ के जाए, जलगांव खाली कर दे या स्मशान भूमि बना दे जलगांव को, लोग बहुत हैरान हैं, और इसी के संदर्भ में आज इतना बड़ा
व्यापारी आंदोलन उठ गया है। हर मार्केट के यहाँ लोग हैं, घर के बच्चे बूढ़े सब यहाँ पे आए हुए हैं और अपने आंदोलन में सहभाग दे रहे हैं। हमारी भावना सरकार तक जब तक नहीं जाती, कोई इसके अंदर ठोस सबूत नहीं देता, हमें न्याय नहीं देता, तब तक हमारा ये आंदोलन चालू रहेगा। और हम इसके अंतर्गत कल से बेमुदत उपोषण के लिए बैठ रहे हैं। जब तक ये कुछ नहीं निकलता हमारे लिए, तब तक हम यहाँ बैठने के लिए तैयार है। सब के सब लोग यहाँ बैठेंगे। ये बताइए कि आप लोगों का सपोज कुछ भी नहीं होता, क्योंकि पिछले 4 सालों से तो कुछ भी नहीं हो रहा है, सरकार वही है, अधिकारी हैं, सत्ताधारी हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी भी कुछ भी नहीं होता है, तो आप लोगों का स्टेप क्या है? ये सब जो विषय है पूरे भारतवर्ष में पता है कि जलगांव का घरकुल घोटाला जो हुआ है, उस घोलकुल घोटाले में जो उनको पैसे भरने हैं, उन्होंने बीच में ठहराव भी किया था, उसमें लिखित में ही लिखा था कि भाई हमको घरकुल घोटाले के पैसे भरने हैं, इसलिए हमें ये व्यापारियों से पैसा जमा करके, क्योंकि हमारे पास जो साधन है आज पैसा जमाने का वो केवल व्यापारी है, व्यापारी का है गरीब गाय है, उनको मालूम है इनको 8 टोज दी तो ये भगने लगेंगे, उस माध्यम से वो हमें ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि जलगांव की जितने नगर सेवक है उन पे कम से कम 1 कोटी के ऊपर एक नगर सेवक के लेना है, ऐसा कोर्ट ने डिक्लेयर किया है। इतने इन नगरों से पैसा जमा किया तो इनका एक हुड़कों का कर्जा कभी चल जाएगा, मगर उस फाइल को इन्होंने दबा के रखा है। और हमारे घर जैसे गरीब लोग जो है साइकिल रिपेयर करते हैं, रिक्शा रिपेयर करते हैं, मोची का काम करते हैं, सिलाई का काम करते हैं, छोटे छोटे बंदे हैं, उनको ये तकलीफ देने का इनका सब ये नाटक है। अगर इन्होंने जो ये पैसा इकट्ठा किया जो उनको नगर सेवक को बोला है वो किया तो भी इनका काम हो सकता है। दूसरा ये दुष्ट हेतु से एक सामाजिक जो लोग है वो इन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका कारण है इनके ऑलरेडी सत्ताधारियों की इनके मार्केट है, कॉम्प्लेक्स जो मॉल में शॉपिंग मॉल में इनकी दुकानें हैं, जो बनकी पड़ी है वो दुकानें इनको बेचनी है। उनको पता है फुले मार्केट को निकाल लिया तो फुले मार्केट सब भगते आएंगी, सब वो थोड़ा मजबूत है हमारे से, 2 पैसे वो ज़्यादा कमाते हैं हमसे, तो वो ये दुकान ले लेंगे। ये दुकान लेने के बाद में ये खाली हो जाएंगे, तो इनकी बिल्डर लॉबी से कांटेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, रिलायंस जैसे जो बड़े बड़े जो है, अभी नाम तो नहीं बता सकते अपन इतने, वो बिल्डर लॉबी ये लेगी, ये लेने के बाद में ये बिल्डर लॉबी उसको रीडेवलप करने में उनको आज जो ये इनकी भी इनमें मिलाई भगत रहेगी, ऐसा अकेला नहीं करेंगी, कोई हिस्सा इनका रहेगा। तो उनका दृष्ट हेतु ये है कि इनको निकाल के वहाँ बड़े बड़े मॉल बनाए, दुकानें बनाए और उस माध्यम से कोटी रुपया कमाए, ऐसी उनकी धारणा है, तो उसमें सक्सेस नहीं हो रहे। इस कारण ये छोटे व्यापारी को ये तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं और अपना ताबे में लेने की ये कर रहे हैं। एक्चुअली सरकार इसमें थोड़ा ध्यान दे, सरकार किसी की भी हो, कोई भी पार्टी की हो, सरकार जो बनी है वो सरकार इसलिए बनी है कि आज अन्य वस्त्र निवारा ये आम जनता की मूलभूत ये है, वो उसको उनको देना काम है। अगर वो नहीं देंगे तो उनको भी सरकार में आगे आना है। आज हम आप ऐसा मत समझो, आज कम से कम जलगांव का जो महापौर है उसमें बनाने में इतनी शक्ति हमारे पास में है कि कम से कम 50,000 लोगों का हमारे पास में एक यूनिटी है। हमारे जो अध्यक्ष है माननीय डॉक्टर शांताराम दादाजी सोनो ने, इन्हें हमारी एक चर्चा भी हुई कि इस माध्यम से हम आने वाले चुनाव में हमारे व्यापारी संगठन में से एक पार्टी तैयार करेंगे छोटी, और उसके माध्यम से जितने भी नगर सेवक जिन्होंने हमको तकलीफ दी है, जो हमको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ हमें अरे उम्मीदवार खड़ा करेंगे, चुन के तो आएंगे नहीं, चुन के आए जो भ्रष्टाचारी है उनको कम से कम गिराने का काम करेंगे, इतना तो हम काम करेंगे और सच्चे लोगों को साथ देंगे। अभी देखा जा रहा है कि काफ़ी सारी राजनीतिक पार्टियां भी आप लोगों के संपर्क में आ रही है, आगे आने वाले सितंबर में जलगांव में मनपा के चुनाव है, तो ये जो कुछ भी हो रहा है पिछले 2-3 सालों से, ऐसा लग नहीं रहा है
कि ये चुनाव के मद्देनजर ही किया जा रहा है, इन सबको बवाल बनाया जाए, आप लोगों की सिंपैथी ली जाए? ऐसा भी हो सकता है, लेकिन महानगरपालिका हो, मतलब प्रशासन हो या शासन हो, उनको तो न्याय देना ही है हमारे गाड़ीधारकों को। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जलगांव जिले के कोने कोने में हमारी जो बात है गाड़ीधारकों की फैल चुकी है, और सब सबकी सहानुभूति हमारे गाड़ीधारकों की तरफ से है। कल बहुत से संस्था के लोग, संगठन के लोग आके गए, उन्होंने भी हमें सपोर्ट दिया है। और जो धान्य मार्केट है या फेडरेशन जो है, भुसावल के 700 दुकान वाला जो अध्यक्ष है अशोक नागरानी, वो भी कल आके गए, तो वो भी 700 दुकान बंद करने के लिए तैयारी है उनकी। अगर हमको न्याय नहीं मिला तो वो भी दुकानें, भुसावल की भी दुकानें बंद रखने वाले हैं। कोल्हापुर से भी हमको ये मिला, सपोर्ट मिला है कि भाई आपका जो है, या आपका जो अन्याय जो आप पे हो रहा है उसके लिए हम आपको भी सपोर्ट करते कि आपको न्याय मिले। और ये सब आंदोलन करने के बावजूद भी अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हमारे बहुत से गाड़ीधारक आज रो रहे हैं आत्महत्या करने के लिए, उनकी तैयारी है, वो आज भी तैयार है, कसमें खा खा के बोल रहे हैं हमको कि दादा हम आत्महत्या करेंगे, हम आत्महत्या करेंगे। मैं बोला भी हमको आखिरी तक लड़ना है, पहले हमें न्याय मिलता है या नहीं मिलता है वो देखना है। अगर फिर भी न्याय नहीं मिला और हमारे गाड़ीधारकों की कुछ किसी ने आत्महत्या की या जान गई, तो इसकी सब जिम्मेदारी शासन और प्रशासन पर रहेगी। हाँ, आप क्या बोलना चाहते थे? अभी दादा ने आपको बताया कि किस तरह से एक काफ़ी बार ये कहा गया कि मुट्ठी भर लोगों के लिए पूरे जलगांव शहर का विकास रुका हुआ है, और कई बार गुमराह किया गया सब जलगांव की जनता को। तो अभी जो हमने मोर्चा निकाला, उसके बाद हमने धरने आंदोलन किया, मुंडन किया, इन सब विषयों में हमने जलगांव की जनता को जाहिर आह्वान किया, और हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो जनता तक पहुंचाया गया। इस कारण से जनता को भी मालूम हुआ है कि हम पे किस तरह से अन्याय हो रहा है, और जब जनता को ये मालूम हुआ तो 50 से 60 संस्थाओं ने हमें प्रतिम्बा दिया। महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के जो अध्यक्ष है संतोष जी मंडलेचा, इन्होंने भी हमें प्रतिम्बा दिया। आज ही जो राष्ट्रीय स्तर की व्यापारी संगठना है उसका भी हमें प्रतिम्बा मिला है। उन सब ने भी ये मान्य किया है कि इन पे अन्याय हो रहा है। पीछे एक 135 नंबर का ठहराव हुआ था, इस 135 नंबर के ठहराव में 55 नगर सेवकों ने महासभा में ये मान्य किया कि जो 10 मार्केट्स है इसमें व्यवसाय काफ़ी छोटे है, इसमें जेरोक्स की दुकान है, सलून, गैरेजेस वगैरह ऐसे शॉप्स है, और इन सबको अव्यवसायिक गट में उन्होंने रखकर उन्हें आगे एक कम रेट में देने का तय किया था। इस तरह का महासभा में ठहराव पास हुआ, 55 नगर सेवकों ने इसे सम्मति दर्शाई, लेकिन कुछ दिनों बाद इन अव्यवसायिक गाड़ीधारकों का भी लिलाव करने का ठहराव किया गया। तो नगर सेवकों को भी पता अन्याय हो रहा है, लेकिन फिर भी बाद में लिलाव का ठहराव किया गया। कोतवाल साहब, लोगों का एक प्रश्न है, जनरली जो आपके विरोधी हैं या सत्ताधारी बोलिए, अधिकारी बोलिए, ये लोग पब्लिक को ये बोलते हैं कि फुले मार्केट हो या मार्केट, व्यापारी बहुत ज़्यादा कमाते हैं, वो जितना कमाते हैं उसमें फुले मार्केट्स के खुद जो किसी को भाड़े से लेना रहा तो वो लोग लाखों रुपए महीने का भाड़ा जब आम आदमी को दे सकते हैं, एक भाड़े से जो लेता है वो दे सकता है, तो मनपा में क्यों नहीं पैसा देते हैं, ऐसे वो उनका कहना रहता है, इस बारे में आपका क्या स्पष्टीकरण है? आज जो पूरे महाराष्ट्र में जलगांव का नाम बम्बई के बाद में लगता है, बम्बई में अगर 100 रुपये में चीज़ मिलती है तो जलगांव में 105 110 में मिलती है, क्योंकि उतना खर्चा लगता है। और ये जो लोग बोलते हैं कि ये लूट रहे, ये गलत बात है, क्योंकि आज कंपटीशन का ज़माना आ गया है। ये जो लोग बिजनेस करते हैं बम्बई से माल लाते हैं 5-10 रुपया, तो उनका मार्जिन रख के कमाएंगे। तो इनका जो बोलना है कि भाई ये ज़्यादा रेट में बेचते या दुकान भाड़े से दूसरी को किसी को देते, जो उनको खुद को बिजनेस करना है तो दूसरे को भाड़े में देने का कुछ सवाल ही नहीं आता है। एक हाथ जो गरीब होगा कि जिसकी भाई दुकान नहीं चला सकता है, ऐसा नहीं है कि सिंधी लोग ही बहुत पैसे वाले हैं, मारवाड़ी लोग ही पैसे वाले, उनमें भी गरीब लोग हैं। तो एक हाथ गरीब ने अगर दे दिया तो ऐसा कोई 10-15 हज़ार 20 हज़ार के ऊपर कोई भाड़ा नहीं देता है। इनका जो गलत बोलना ये गलत है। और ये जो कोर्ट तक बातें गई है ये कुछ आम जनता नहीं गई है,
आम जनता ने पीआईएल दाखिल नहीं किया है। ये जो सत्ताधारी है, इनके मौसेरे भाई, इनके चचेरे भाई, इनके ड्राइवर, इन्होंने यहाँ पीआईएल दाखिल किया है। कोई व्यापारी ने दाखिल किया नहीं है। हमको कोर्ट में जाने का अवधि मिला ही नहीं है। हमको हमारी बातें मानने का कोई मिला ही नहीं, अवसर मिला ही नहीं है। केवल इन्होंने इनके ही लोगों को, जो सत्ताधारी है, जो इसके पहले महापौर था, इन्होंने 6-8 महीने पहले जब अपना राजीनामा दे रहे थे, उस टाइम हृदय परचेज पत्र लिखा था जिलाधिकारी को कि जलगांव की जनता कितनी गरीब है, व्यापारी कितने गरीब है, उनके हाल कितने हैं कि वो पैसे भर सकते नहीं, उन पर दया की जाए। आज वही एक बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं। मुझे उनको विनंती करनी है कि जिस दिन आपने हृदय परची वो पत्र लिखा था, उसे अपने इसमें लाओ। आज आप, आपके पास सत्ता है, उसका आप ताकत उसका यूज़ करो और हमें जो लिखा था उसको सही करके बताओ। यही आपको हम सही नेता बोलेंगे और आने वाले चुनाव में आपकी जगह आपको देंगे। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपकी जगह हम आपको बता देंगे। इतने हमारे व्यापारियों में संगठन शक्ति है और ताकत है। सर, इसके अंदर अपन अगर व्यापारी मेहनत करता है, पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता है और पैसा कमाता है, तो पैसा कमाने के अगेंस्ट वो जो शासन के टैक्स आते हैं वो भी तो भरता है। वो भरने के बावजूद अगर उसके पास पैसा रहता है और वो पैसे के ऊपर वो कुछ करता है, तो उसके ऊपर दूसरों की नज़र क्यों? मैं पूछता हूँ, इन लोगों को ये पूछता हूँ कि भैया पहले अपने थाली में देखो और फिर दूसरे के थाली में देखो। व्यापारी लोग तो आपको पैसा भर रहे हैं, फिर भी वो पैसा कमाने के बाद उनके पास पैसा बचता है, तो वो पैसा बचना वो भी आप निकाल लोगे हम लोगों से, तो फिर कैसे क्या जिएगा व्यापारी? आप बोलेंगे उसको, उसने ये प्रॉपर्टी ले ली, वो प्रॉपर्टी ले ली। आप भी तो बड़े बड़े बंगले बनाए ना, हमने थोड़ी पूछा कि आपने कैसे बनाए, कहाँ से पैसा लाया। व्यापारी तो अपना खून पसीना एक करके ये कमाई कर रहा है, उसमें से टैक्स दे रहा है, और फिर भी बावजूद उसके बावजूद आप उनसे पूछते हो कि इतना बड़ा बाड़ा और ये आप भरते क्यों नहीं हो? तो कैसे भरेंगे? जो हिसाब से वही भरेंगे ना, उसके बावजूद कैसे भर पाएंगे? तो उनको मेरा सवाल है कि आप दूसरों के थाली में मत देखो, खुद के थाली में देखिए, खुद के थाली में क्या है वो खाने की कोशिश करिए, दूसरे की थाली की कोशिश मत कीजिए। 2012 से जितने भी आयुक्त साहब आए, आयुक्त साहब आए, जिलाधिकारी साहब आए, हम सबको मिलकर उनको बताया कि आपका कोई भी प्रतिनिधि या आप खुद ये जो भी मार्केट है किसी भी एक दुकान में जाकर बैठो और दिन भर वो कितने कमाते वो आप देखो और उसके मुताबिक फिर आप सोचो। वो जो कहते हैं कि बहुत पैसा कमाते हैं, तो आप खुद जाओ वहाँ, वहाँ जाके बैठो, वो लोग कितना कष्ट करने के बाद उनको कितना पैसा मिलता है वो देखो आप। नहीं, हमारी बात जब हुई थी किसी ऐसे व्यक्ति से, उसका ये कहना था कि 28,000-30,000 रुपए स्क्वायर फीट से तो वो लोग दुकान बेचते बनाते देते हैं, व्यापारी इतने मालदार हैं, तो ये मनपा का पैसा क्यों नहीं ये लोग चुकता करते हैं? नहीं नहीं, गलत है वो, देने में क्यों रोते? ये दिशा भूल कर रहे, जनता की भी दिशा भूल कर रहे हैं ये, वैसी बात नहीं। मैंने बोला ना, आप जाओ वहाँ दुकान में बैठो, समझे ना, वहाँ का जो परिस्थिति है वो परिस्थिति का अभ्यास करो और उसके बाद आप अहवाल तैयार करो और उसके बाद फिर आप सोचो कि भी इनसे कितना भाड़ा लेना है। अगर ऐसा होता था तो शुरू में फिर इतना भाड़ा जो था साल का 6,000, फिर वो उसको क्यों नहीं बढ़ाया उन्होंने? तो यही कहना है कि हमारी गलती हो गई कि हमने पैसा कम रखा था। गलती ऐसे ऐसे गलती वैसे थोड़ी चलता है। जब मार्केट बनाया गया था, जब उस टाइम इनसे लेने वाला कोई नहीं था, 1960 से ये मार्केट बना हुआ है, इसमें हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके इसको इतना डेवलप किया है और उसका नतीजा आज ये कि ये पूरा डेवलप हो चुका है और उसमें हम लोगों की मेहनत है। आज जब ये ऊपर का मजला बनाया तो इनसे लेने वाला दुकान कोई नहीं था, इन्होंने खुद टेबल लगा के शॉप बेचे हैं और वो भी कितने 30,000-40,000 रुपये में बेचे हैं। इसमें हम लोगों की मेहनत है, हम लोगों की मेहनत है उसमें, इन लोगों का कुछ नहीं है। और ये जो भी डेवलप हुआ है वो हम लोगों ने डेवलप किया है। आज नई मार्केट आप बसा के दिखाई हम मान जाएंगे आपको। और इन्होंने उस टाइम 1,30,000 रुपये इसकी कीमत निकाली थी, एक भी आदमी ने उनसे दुकान नहीं लिया, खाली 19 लोगों ने कुछ दुकानें बुक की थी, वो भी उनके आपस के लोग थे इसलिए वो बुकिंग हुई थी। आज वो दुकानों के फिर बोलते हैं कि आप हमें खाली करके दो या भाड़ा दो, भाड़े में भी लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, ज़बरदस्ती हमारे ऊपर लादा गया था, हम लोगों ने ले लिया था वो। काफ़ी लोगों से हमारी जब चर्चा हुई, सत्ताधारियों से बोलिए या मनपा के अधिकारियों से बोलिए, उन लोगों का ये कहना खास था कि इन लोगों के पास बहुत पैसा, ये लोग बहुत पैसा कमा चुके हैं, इन लोगों की मनपा को देने की दानत नहीं है, ये कमा तो रहे हैं लेकिन खर्च करना नहीं चाहते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना रहेगा? ये जो मार्केट है, ये मार्केट व्यापारी लोगों ने ही डेवलप किया है,
टपरी धारक ये जो मार्केट थे ये इन्होंने टेबल कुर्सी लगा के इन्होंने ये हमको गाड़े दिए है। तब अगर हमने प्राइवेट जमीन लिया होता तो फिर हमारी वो कॉस्ट बढ़ती। ये तो अन्यायकारक है ना कि तुम 30 साल तक हमारे से भाड़ा लेंगे, डिपॉजिट लिया, उससे बिल्डिंग बनाया और अभी बोलते तुम खाली करो, हम लीलाव करते। ये कौन सा व्यवहार है? ये तो व्यवहार है ना, व्यवहारिक। जब मार्केट डेवलप हुआ तब तुम्हारे आँख में आया। अगर फूले मार्केट मोहड़ी में भी गया तो फूले मार्केट ही है, वो चलेगा, वहाँ लोग जाएंगे, फिर तुम वहाँ बोलेंगे कि उनको कि हम तुम्हारी दुकान एक्वायर करते। ये शुद्ध दादागिरी चालू है उनकी। और ये जो 5 फुट ठहराव है, ये भारत के इतिहास में खुला भूखंड कर और 5 फुट ठहराव, ये भारत के इतिहास में कहीं भी नहीं है। जब 24 अप्रैल को रंजीत पाटिल साहब के सामने हमारी सुनवाई हुई थी 40 नंबर की, तब रंजीत पाटिल साहब ने, जीवन सोनोने आयुक्त थे, उनको बोला कि ये तुम मजाक कर रहे हो क्या व्यापारी लोगों की, ये तुम 10-20 हज़ार का बिल साल का तुम उनको 1-1 करोड़ रुपए 40-40 लाख 50-50 लाख ऐसा दे रहे, ये कुछ मजाक कर रहे हैं कि तुम इनकी, ये दुकान की भी कॉस्ट नहीं है, जमीन की भी कॉस्ट नहीं इतनी, ये कहाँ से लाए तुमने आंकड़े? रेडी रेकनर बोलते, ये बोलते, सब डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया नहीं कुछ ना कुछ, यानी उन्होंने जब हमको उनकी जरूरत थी तो बढ़ा के दिया, और उनकी जरूरत अभी उनको पैसा देना है, कर्जा भरना है, तो हमारे ऊपर उन्होंने सूरी रंग। तो अभी 110 नगर सेवकों के पास में भी 1.56 करोड़ का रिकवरी है, 140 करोड़ का, वो क्यों नहीं लेते? ये खुला भूखंड कर करोड़ों रुपए का जलगांव शहर में आउटस्टैंडिंग है आज भी, वो क्यों नहीं लेते? सिर्फ जो व्यापार कर रहे हैं, जिसके ऊपर एक एक आदमी के ऊपर 20-20 लोग अवलंबन है, उनको तुम वेटिस धरना, ये कितपत अच्छा है, कितपत योग्य है ये इनका। एक चीज ऐसी जनरल जो आम आदमी के मन में आती है, एक सवाल है कि क्या मनपा की इमारत 17 मंजिल होनी जरूरी थी? कोई जरूरी नहीं थी। तुमको एक बात बोलूं अंदर की, जो गोलानी गवर्नमेंट को गोलानी 3-3 साल क्रेडिट पे मीडियम डैम बांध के देता था, वो गोलानी मार्केट की वजह से वो बर्बाद हो गया, क्योंकि वो बीओटी तत्व के ऊपर उन्होंने गोड़ बोल के बांध लिया उसको, और वो भी गाड़े इन्होंने ले लिए, क्या बचा उसको? मर गया वो गोलानी, ये धक्के के वजह से मर गया। वो जो गवर्नमेंट के साथ व्यवहार करके सुखी था, वो जो जलगांव मनपा के वो घेरे में आ गया, वो बर्बाद हो गया। अभी राष्ट्रवादी के यहाँ पे जो विनोद देशमुख थे, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि कुछ स्कूल्स है जिसको किसी प्राइवेट संस्था को कुछ समय 1 साल के लिए भाड़े पे दिया गया था, और अब वो जगह उसको बेच दी गई है, दे दी गई है, ऐसा व्यापारियों के साथ क्यों नहीं हो रहा है? सर, ये इसके अंदर ये जो बात है, वो जो स्कूल जिसको बेची गई है, वो स्कूल किसकी है ये पहले देखना जरूरी है। वो स्कूल सत्ताधारी में के ही किसी एक आदमी की स्कूल है, और उन्होंने वो सब कारोबार ऊपर से करके लाया है। ऐसे हमारे साथ वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको मालूम है कि इनके साथ अगर करा जाए तो अपने को पैसा नहीं मिलने वाला है। उन्होंने अपनी अपनी सब बातें अंदर में कर ली है और किस्से को ख़त्म किया। अभी थोड़ी देर पहले आपने पूछा था कि भैया ये पैसे क्यों नहीं भरते, उसका सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ। देखिए साहब, अगर कोई चीज़ है और उस चीज़ की कीमत 5 रुपये है सब जगह, और उस चीज़ को किसी व्यापारी ने बोल दिया कि मैं आज से 20 रुपये में बेचूंगा, तो कोई लेने वाला है? कोई नहीं लेगा, और उसके पास से सब चले गए। उसी तरीके से इन लोगों ने हमारे बिल जो दिए थे, जो भाड़े के बिल दिए थे, वो हमारे साल के 3-4 हज़ार के करीब करीब आते थे, और वही बिल अभी हमारे को 50 हज़ार आने लग गए, तो हम कैसे देंगे? हमारा दुकान छोटा है, हमारी कमाई छोटी है, हम कमाते हैं तो घर के लिए कमाते हैं ना, ताकि वो नगर पालिका को पैसे दे। हम भरते नहीं है, ऐसा कैसा भरते नहीं है, हम जो आपको ठहरा दिया है। और मेरे को ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो महानगर पालिका है, ये क्या पैसा कमाने के लिए है? पैसा तो कौन कमाएगा? व्यापारी पैसा कमाएगा ना, पैसा नहीं मिलेगा तो विकास कैसे? नहीं नहीं, हम उसके विकास के लिए हम उनको जो उन्होंने ठहरा दिया है उतना पैसा तो हम देते हैं ना। वो अगर सोचते हैं कि हमने आज 10 हज़ार रुपये कमा दिए और 9 हज़ार उनको जमा कर दो और 1 हज़ार रुपये घर लेके जाओ, आपको 1 हज़ार बहुत कुछ है, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। 10 हज़ार हमने अपने बुद्धि से कमाए हैं, और वो 10 हज़ार का जो भी टैक्स आता है वो हमने पेड़ किया है। पर जलगांव में जो चीज़ें काम होता है नगर पालिका के जरिए, जो विकास होता है, वो भी तो सभी की जिम्मेदारी है। लेकिन जिम्मेदारी ये भी है, समझो, अभी आदमी अगर दुकान लेगा, प्राइवेट दुकान, तो ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि बेरोजगारी हटाओ, ये हटाओ, इसलिए गवर्नमेंट इनको फंड देती है, जगह देती है, परमिशन देती है।
तो रेशनिंग रहता है। अगर आदमी के पास एमआईडीसी में प्लॉट लेने के लिए प्राइवेट जमीन लेने के पैसे रहे तो एमआईडीसी में क्यों लेंगे? ये रेशनिंग पॉलिसी रहती है कि भाई नो लॉस नो प्रॉफिट पे इनके तुम रोजगार बढ़ाओ, रोजगार को योजना दो। एक आदमी ने दुकान डाला तो उसके ऊपर चार आदमी पेट भरते हैं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है, ये रेशनिंग रहता है। पहले अपन रेशनिंग में शक्कर लेते थे, क्यों लेते थे? क्योंकि गवर्नमेंट रेट में मिलती थी। वैसा ही इन महानगर पालिका जो कॉम्प्लेक्स है, इनका ये काम है ना कि लोगों को बढ़ावा देना, लोगों को रोजगार के लिए बढ़ावा देना, लोगों को रोजगार उपलब्ध करके देना, ये इनका काम है। इसके ऊपर मुनाफा कमाना इनका काम नहीं है। अच्छा, अगर लीला हुआ और हमारे गाड़ी धारकों को दुकान से बाहर निकाल दिया, उनका क्या होगा? उनकी फैमिली का क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे, कैसा खाएंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये भी तो बड़ा सवाल है ना। उनकी सोच सीधी सीधी नजर आती है कि आप लोगों के पास बहुत पैसा है, आप लोग कोई मेरा ऐसे ही होगा। अगर बहुत पैसा होता तो खाजगी दुकानें ली होती, खाजगी जगह ली होती। अगर बहुत पैसा होता तो उनकी अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक उन्होंने नगर पालिका की दुकानें ली है, और कैसे कैसे वैसे वो चला रहे हैं अपना संसार, अपनी जो फैमिली है उनका शिक्षण। मैंने बोला आपको कि जो उनका बच्चों का शिक्षण है, माँ बाप बूढ़े माँ बाप की दवा का सवाल है, शादी का सवाल है, ये उसमें से जो भी कमाई होती है उसमें से सब वो बराबर चला रहे हैं। अगर आप कुछ भी बोलेंगे, लाखों रुपए भरने की उनकी ताकत तो नहीं है। हमारे एक डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी ये नगर पालिका के जगह में दवाखाना चलाया है, उसको 97 लाख का बिल भरने का ऑर्डर आई है। और कहाँ से भरेगी 97 लाख? उसने तो कमाई भी नहीं होगी उतनी, कहाँ से भरेगी? एक है हमारा 1,40,00,000 का बिल आया है उसको, इतना कहाँ से भरेगा? उसके दिन तो कमाई भी नहीं है ना। ऐसा है, फिर मेरी तो विनती है उनसे, सत्ताधारी लोगों से, शासन से। मैं कलेक्टर साहब को भी ये बात बोला कि जलगांव शहर में 40 एकड़ जगह है ना, उसको गवर्नमेंट एक्वायर करे, उनको रेडी रेकनर से पैसे दे दे और हमको कॉम्प्लेक्स बना दे। ऐसी भी है ना जलगांव में, शहर में 40 एकड़ जगह है, गवर्नमेंट ने एक्वायर करने का, उसको उनको रेडी रेकनर दर से पैसे देने का, फिर उनको समझेगा कि रेडी रेकनर वो क्रॉस करेंगे, फिर जब खुद पे आएंगे तब क्रॉस करेंगे ना। अभी तो हाल ही में ऐसा पारित हुआ है कि अंडरग्राउंड बहुत बड़ी गटर बनाई जाने वाली है, गटर बनाने से विकास है, इन विकास के लिए पैसा आखिर कहाँ से आएगा? उनका तो कहना है कि भाई हम लोग ये अमृत योजना, गटर योजना, ये सर अंडरग्राउंड ड्रेनेज, अमृत योजना, ये सब केंद्र शासन की पॉलिसी है, इसके लिए केंद्र शासन के फंड से, इनका कुछ संबंध नहीं उससे। और उल्टा 34 डिस्ट्रिक्ट में आज 800 करोड़ के काम हुए, आप देख लो जानकारी लो। जलगांव में केंद्र शासन का एक भी प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं हुआ, अमृत योजना नहीं शुरू हुई, भूमिगत गटर नहीं शुरू हुई, अंडरग्राउंड केबलिंग नहीं शुरू हुई, ना रस्ते कॉन्क्रीटिंग किए गए, कुछ भी नहीं हुआ। ये जो 25 करोड़ मुख्यमंत्री साहब ने दिए थे उसको भी चिंडी की तरफ इधर उधर उसमें भी झगड़े कर रहे हैं। ये कुछ विकास नहीं, विकास के लिए गट्स लगते, 100 लोगों की प्रगति होना ये विकास रहता है, उसके लिए ध्यास लगता। मेरी आपकी दुश्मनी है तो मैंने और आपने सोचने को ना, तू 200 लोगों की, मैं 400 लोगों की प्रगति करता, इसको विकास बोलते हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में कैसा रहता है कि मैं 2,000 रुपये शुगर केन का रेट देता तो मेरा दुश्मन 2,500 देता, फायदा किसका होता? शेतकरी का होता। यहाँ तो कैसा है, तू 25 कमा और मुझे भी 25 दे, ये तो झगड़े करते हैं। विकास मतलब क्या? मैं समझता नहीं कुछ, विकास होता नहीं, विकास होता नहीं। जलगांव शहर के गटर टूटे हुए हैं, रास्ते इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों को बीमारियां लग गई हैं। तो ये तो महानगर पालिका का कर्तव्य है पहले कि भाई जो सुविधा है वो सुविधा तो उन्होंने पहले देनी चाहिए। विकास का मतलब मैं समझा नहीं, विकास मतलब क्या? क्या फायदा उसका? उसका फायदा क्या है? 17 मंजिल बिल्डिंग बनाई भारत वर्ष में, लेकिन उसका फायदा क्या है? नागरिकों का फायदा क्या है उसका? कुछ भी फायदा नहीं है। पर ये जो उन सब चीजों की वजह से जो कर्जा हुआ है, जो लोन्स हैं, उसको कहाँ से चुकाएंगे? लोन लेने की जरूरत ही नहीं थी ना। अगर समझो मेरी कैपेसिटी साइकिल चलाने की है, अगर मैं बोलूँ कि मुझे प्लेन लेना है तो उतनी मेरी कैपेसिटी चाहिए, फिर इधर से मैं लोन उठाऊँ, उधर से लोन उठाऊँ, और फिर मैं प्लेन लूँ और बाद में फिर होता बैठूँ, मैं इतना कर्जा कहाँ से भरूँ? ये तो उनकी गलती है, इतने बड़े बड़े समझने की जरूरत नहीं थी। नागरिकों की जो सुविधाएं हैं वो सुविधा के बारे में सोचना चाहिए थे उन्होंने। सादा अतिक्रमण को नहीं हटा सकते, सादे अतिक्रमण वाले बैठते हैं उनको नहीं हटा सकते, उनके लिए पर्याय जगह देते, और दुकानदार जो बैठे हुए उनको हटाने के लिए ये कौन सा हिसाब है? पहले जो 4,000-5,000 भाड़ा था, अभी 3-3 लाख रुपए का भाड़ा दिया हुआ है, ये कहाँ सा हिसाब है?
5000 रुपए जो भाड़ा था साल का, अभी 3 लाख रुपए साल का भाड़ा अगर दे रहे तो कहाँ से भरेंगे? ये विकास के नाम पे सिर्फ उन्हीं का विकास हो रहा है, हम लोगों का कोई विकास नहीं हो रहा है। पैसों के मामले में सिर्फ उन लोगों को पैसे मिल रहे हैं, बाकी जलगांव को क्या सुविधा है? जो 10 साल पहले जैसा जलगांव था, आज भी आप चक्कर लगाओगे किसी 10 साल पहले जिसने देखा है, वैसा ही जलगांव आज भी दिखने वाला है। क्या विकास हुआ? तो 10 साल में उन लोगों ने विकास नहीं किया, अब हमारे से पैसे लेके क्या विकास करने वाले, कहाँ लेके जाने वाले ये जलगांव को? और जब सत्ताधारी या काफी सारे राजनीतिक जो लोग हैं उनका ये कहना रहता है कि बड़े प्लांट्स तो आने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे पास उनको सुविधा देने के लिए फंड नहीं है। सर, इसके अंतर्गत देखा जाए, हाँ, लोग कहते हैं कि यहाँ प्लांट्स आने चाहिए, जब यहाँ मेरिकोसरी की कंपनी थी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ थी, वो कहाँ गई? वो यहाँ से चले गई, और यहाँ सिर्फ एक ही कंपनी है, बड़ी कंपनी है, वही चल रही है, उनको पेमेंट नहीं देते। अब वही कंपनी चलाना है, बाकी को नहीं रखना है, तो कैसे क्या विकास होगा? यहाँ पे कोई कंपनी आने के लिए तैयार नहीं है, अब पूछ लो कहीं पे भी, कोई कंपनी आने के लिए तैयार नहीं है। MRDC खाली पड़ी हुई है, लोगों को रोजगार नहीं है। यहाँ का एक मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, यहाँ पे फुले मार्केट के बाहर एक बच्चा अमरुद बेच रहा था, तो उन वो दो बच्चों की बातें हैं, वो दो बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि भैया मैं कल से ये बेचना बंद करने वाला हूँ। मैंने बोला क्यों? तो बोले यहाँ पे नगरपालिका वाले आते हैं और हमें उठा के लेके जाते हैं, हमारे अमरुद भी लेके फेंक देते हैं, तो फिर क्या करने वाला है? तो भैया MRDC यहाँ पे है नहीं, मैं नासिक में जाऊँगा, वहाँ MRDC में काम करूँगा, 200-300 रुपये महीना रोज के तो मुझे आराम से मिल जाएंगे, मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा। अगर ये दिशा उन लोगों को है तो हम भी यहाँ से निकल जाने की यानी फिराक में आ गए कि भैया यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ ना MRDC है, ना रोजगार है, ना यहाँ कोई लेने वाला है, तो हम भी यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाए, जलगांव खंडर कर दे, छोड़ दे, ऐसी उनकी भूमिका है, ताकि वो जलगांव के ऊपर राज करे सत्ताधारी, और ये खंडर के ऊपर बैठे रहे गिधाड़ों की तरह। सारे व्यापारियों की तरफ से आप लोग हैं यहाँ पे, अभी कोई डिसीजन नहीं होता है, सिर्फ आश्वासन दे दिए जाते हैं कि हाँ हम लोग देखते हैं, हम लोग करते हैं, तो आप लोगों की भूमिका क्या रहेगी? हमने तो बोला है ना आपको कि अगर ऐसे लोग है हमारे मार्केट के जो पर्याय दूसरा ही नहीं उनके पास, एक तो बोले जहर खाकर मरने की उनकी तैयारी है, कोई बोलता है हम घासलेट डाल के जला लेंगे, कोई बोलता है हम खुद को मर जाएंगे, इस तरह के सब हमारे गाड़ी धारक बोल रहे हैं, तो उस पर क्या करेंगे आप बोलो ना? मैंने तो बोला अगर ऐसा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तो शासन पर ही, प्रशासन दे दिया गया लिखित रूप में, हाँ हम लोग करेंगे। तो लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जबकि पूरा जलगांव पेट चुका है, आग लग चुके हैं पूरे जलगांव को, तो उनको कुछ ना कुछ सोचना ही है, हमारे गाड़ी धारक के हित के संबंध में उनको कुछ निर्णय लेना बहुत जरूरी है। और राजनेता लोग तो अक्सर लिखा पढ़ी करते हैं, और आप लोगों का आश्वासन तो मिल ही जाएगा, ऐसा तो फिक्स है, उनको भी पता है और काफी सारे लोगों को पता है आम आदमी को कि आश्वासन आपको मिल जाएगा लिखित रूप में। पिछले कई सालों से आप लोगों का आश्वासन तो मिलते ही आ रहे हैं, अभी आप लोग रस्ते पे उतरे हैं, तो अब आपका डिसीजन क्या? डिसीजन ये हमारा अभी कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद में ही हम ये करेंगे, और ये हम आपको बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम हम अभी रस्ते पे उतरे तो हम अभी ऐसे भी बर्बाद हो गए, वैसे भी बर्बाद हो गए, तो हम अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद में ही हमारा आंदोलन रुकाएंगे, तब तक हम आंदोलन छोड़ेंगे नहीं, हम आमरण उपोषण को बैठेंगे, और हम ये हमारे दुकान के पास में भी आए तो हम इनको मार के अभी ये हमें अभी हमारी सहन शक्ति खत्म हो गए, जो हमारी चीज छीनेगा हम उनको छोड़ेंगे नहीं। इसके अंदर दो बातें हम मांग रहे हैं, शुरू से बोल रहे, दो बातें ऐसी है कि हमें दुकान का जो भाड़ा है वो रेगुलराइज करके दिया जाए, हम तभी इस बात को पीछे होने वाले आंदोलन खत्म करने वाले। उन्होंने हमारा बिल रेस करना जरूरी है कि हमें योग्य बिल जो भी आता है हमें रेस करिए, हम पहला बिल भरेंगे, उसके बाद में हमारा करार नूतनीकरण के लिए उन्होंने कागज पेपर तैयार करने चाहिए, वो उसके ऊपर उनकी सिग्नेचर होनी चाहिए, हमारा पहला आदमी कोई तो भी उसको नूतनीकरण करेगा, ये अगर होता है, ये दो बातें हमारी उनकी करके देते हैं, तो हमारा आंदोलन वहाँ हम रोकेंगे, वरना ये आंदोलन वैसा ही चालू रहेगा, और ये आज यहाँ जलगांव में है, कल पूरे महाराष्ट्र भर पहुँचने में देर नहीं लगेगी, महाराष्ट्र से लेके पूरे हमारे भारतवर्ष में हम इसको पहुँचाने की कोशिश करने वाले हैं। धन्यवाद। क्या बताना चाहते हैं? सर, मैं बताना ये चाहता हूँ, आज मैंने की बात है, मैंने अभी पूरा हुआ नहीं, 20 दिन हुए समझे, कलेक्टर साहब ने मुझे बुलाया था, मैं दुकान पर बैठा था, खाना खाने का टाइम था, तो कौन बोल रहे हैं? हमारा दुकानदार बोल रहे हैं। कौन है आप? मार्केट के देखिए साहब, मैं कलेक्टर हूँ, अभी आप आ जाओ,
फक्त सेक्रेटरी और तुम, तीसरा आदमी आने की जरूरत नहीं है। जल्दी गए कलेक्टर भाई, वहाँ गए तो वहाँ ज़्यादा घूमा तो कोई दिखा नहीं। एक प्यून से पूछा, मतलब मेरे को कलेक्टर साहब का फोन आया, इधर तो कोई दिखता नहीं है, क्या बात, कहाँ से आ रहा है? मतलब फूल मार के चलो मेरे साथ ले गए एक रूम में। हम तो घबर गए सर, ये क्या बात है, रूम बड़ा भी नहीं था खास। हमको क्या बोलते हैं, हम आपको जो बोल रहे हैं आप सुनो, आर्ग्यूमेंट हमसे कुछ करना नहीं, मुझे सब मालूम है। क्योंकि क्या है, ये जो महासभा बैठती है ना, उसका दो दिन पहले महासभा वालों ने उनको बुलाया था, उन्होंने समझा दिया, वो हमारे ऊपर लगा रहे थे बात। बोलो साहब फिर क्या बोलना है आपको? बोले अभी तुम 3 दिन के अंदर 25 लाख भरो। मैं बोला साहब काय के भरना, हमने सुनते जाओ पहले और 15 दिन के बाद 25 लाख और भरो। ऐसा करके तुम 4 बार 25-25 लाख भरो, फिर बाद में तुम्हारे मार्केट का लीलाव होएगा और तुमको अधिकार मिलेगा। अगर तुम 3 बार भी भरा, 4th बार नहीं भरा ना, तो तुम्हारे पैसे गए, तो उसी पैसे का तुम्हारा वास्ता रहेगा नहीं और तुम्हारा मतलब रहेगा नहीं। हम बोला साहब कैसे, हम तो समय नहीं, हम अध्यक्ष है, मार्केट वाले पूछेंगे भाई काय के लिए बुलाया, क्या हुआ क्या नहीं, वो पैसे के लिए बोले, उनको तो बात बोलनी पड़ेंगी ना। तो मैंने उसको बताया, बोली ऐसी कैसी बात बोल, मैंने वही बात है, मेरे को बहुत अचरज आ गया, बाहर बैठे सब आके बैठे भाई, इतने लोग आके बैठे हैं, क्या बात है? तो बोले नहीं तो फिर आपका जो भी ये दुकान है हम लीलाव करेंगे और माल सहित जब्त करेंगे। उसके बाद बोलने वाला कौन था? दादा कलेक्टर साहब था। कलेक्टर साहब खुद थे? ये तो बोलता हूँ, कलेक्टर साहब को 3 दिन पहले, जैसे महासभा बैठती है ना, 3 दिन पहले उन्होंने बुलाया था कि हमारे को पैसे की जरूरत है। तो उन्होंने बोला बस सिंधियों के पास ज़्यादा पैसे ऐसा वैसा करके, वो लाखों रुपये कमा रहे, यूँ करे उनसे पैसा निकलेगा और आप निकाल के दे सकते हैं। तो उन्होंने ये रास्ता निकाला, बोले तुमने 5 साल दुकान वापरा है, क्या दिया हमको, 25 लाख भर नहीं सकते? मतलब 25-25 4 बार तो आप बोल रहे, ये क्या है, किसके पास पड़े इतने पैसे? माल उधार लाते, घर का खर्चा करते, म्यूनसिपाली को भरते, नौकरी को पगार भरते, 5-5 नौकर है, ये एक ही दुकान में से होता है, कहाँ से आएंगे हमको पैसा? ये पूरा पैसा मार्केट वालों से भरने के लिए बोला, एक एक दुकानदार 25-25 लाख 4 बार 4 बार फिर 1-1 करोड़, दुकानदार 1-1 करोड़। हाँ मुझे 25 लाख है, 4 बार भरो। हम बोला साहब देखो मैं अध्यक्ष हूँ, मुझे मालूम है हमारी मार्केट में केवल 5-7% लोग है जो भर सकते हैं, 95% की ताकत नहीं है, तो उसके लिए क्या है, दुकान ले लाओ माल जब्त। अब ये कौन सा कानून माल जब्त, मैं आपको बोला ना, ज़्यादा आपको आर्ग्यूमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ तुम सुनते जाओ। ये कब की बात है? महीने में 3 दिन पहले, ऐसे समझ के चलो, जो महासभा गए मैंने को लगी थी जब। आप कहाँ के अध्यक्ष हैं? फुले मार्केट 1st फ्लोर। आपका नाम क्या? राजाराम। अभी काफ़ी देर से आप लोग सभी ये सुन रहे हैं कि व्यापारी किस तरीके से परेशान है, और अब व्यापारी रास्ते पर उतर चुका है। इंसान के पीठ पर जब चोट लगती है तो उससे उतना दर्द नहीं होता जब पेट पे चोट लगती है, और आदमी जब अपनी पर उतर जाए, भूखा रोटी के लिए कुछ भी कर सकता है। व्यापारी अब भूखे नहीं रहेंगे, ये खुद मन बना चुके हैं। देखना है कि कितना ये लोग आगे बढ़ते हैं और कितनी जल्दी प्रशासन इनके सामने झुकता है। जलगांव से आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज़ के लिए। पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी शामिल हैं इस आंदोलन में, और फुले मार्केट में कई ऐसी शॉप्स हैं जो सिर्फ महिलाएं चलाती है, उनको क्या परेशानियां हो रही है और किस तरीके से ये परेशानियां क्रिएट की गई है, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ कुछ महिला दुकानदार भी हैं, कुछ गृहिणियाँ भी हैं, जो ये जानकारी देंगी कि इनको आखिरकार क्या परेशानियाँ हैं और क्या वजह है कि इनको भी सड़क पर उतरना पड़ा। आपका नाम सबसे पहले? मेरा नाम प्रियंका कौरानी है और हमारी खुद की दुकान है फुले मार्केट में, आज से नहीं कई सालों से है, और हमारी पूरी फैमिली उनके ऊपर डिपेंड है, और आज अचानक बोल रहे हैं कि आज वो दुकान खाली कर दीजिए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारी पूरी फैमिली, हमारा खाना पीना, स्कूल की फीस, सब उसके ऊपर डिपेंड है। आज गवर्नमेंट बोल रही है दुकान खाली कर दीजिए, आज हम मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास लोग अगर रोड पर आ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे हम, क्या खेती में हम भी वैसे ही लोग बन जाएंगे,
फिर जलगांव भी सेम केस आ जाएगा, जैसे विलेज के लोग हो जाते हैं, अगर नहीं होती है तो मर जाते हैं, तो क्या हम भी वही करें? हम भी वही करें क्या, बताइए? आज अगर आप हमको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा? मिडिल क्लास आदमी सबको एक साथ मिलजुल के हमको करना है, और हमको दिखाना है कि लड़के नहीं, लड़कियां भी आगे लेके जा सकती है अपनी फैमिली को, लड़कियां भी सपोर्ट करेगी, महिला भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि महिला भी आज दुकान चलाती है, सिर्फ जेंट्स नहीं चला सकते। सो हम चाहते हैं कि आप हमको सपोर्ट कीजिए, थैंक यू। आप लोग क्या काम करते हैं वहाँ फूले मार्केट में? माधो दुकान 1987 साली पड़ला, माझं दुकान 1987 साली पडलं। मला 5 एकर जमीन होती, मी राहणार सिरसोली, तिथं मी 5 एकर जमीन 40,000 विकली आणि हे दुकान बांधकामाला पैसे दिले। त्या टाईमला सुरेशजीने लिहिलं की हे पैसे मला दान मिळालं, एवढे आम्ही दानसूर नाही वाया गेले होते। आम्ही पोटपाणीचा धंदा करण्यासाठी दुकान घेतले आणि ते दुकान खरेदी करून घेऊन तो परत अजून पैशांची मागणी करत आहे, दुकान वापस मागत आहे। तर मग आता आमचं शेती पण गेली, दुकान पण गेलं, आम्ही काय करायचं? हा न्याय तुम्ही द्या। कसली दुकान आहे तुमची? मिरची मसाला, भास्कर मसाला। नाही, आम्हाला भास्कर मार्केट में, भास्कर मार्केट मध्ये दुकान आहे, किती 88 सालापासून दुकान आहे, आणि ते आम्ही कसं घेतलेलं हे फक्त आम्हालाच माहिती, मीडियावाल्यांना माहीत नाहीये। तर आम्ही काय करायचं? आता ते मागतायत पैसे, मागतायत पैसे देऊनही आम्ही जे जेवढे होते आमच्याजवळ तेवढे तर भरून चेक देऊनच टाकलेलं आहे, पण बाकीचे कसे काय करायचे? आणि नाही केल्यावर, नाही भरले ते दुकानं खाली मागतायत, तर आम्ही आत्महत्येशिवाय आम्हाला दुसरा पर्याय नाही आहे। माझा मुलगा लहान 8वीत आहे, अजून तो कधी मोठा होईन आणि कधी तो काय करीन, याच्यावर तुम्हीच निर्णय घ्या आणि सांगा। हा, हमारे भास्कर मार्केट में टेलरिंग शॉप आहे, और वो सिर्फ हमारी एक की दुकान की बात नहीं है, पूरे मार्केट का सवाल है वो, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही ऐसे भी लोग हैं कि जो दिन भर ऐसे बैठे रहते हैं तब कहीं जाकर एक हाथ गिराई करता है। तो प्लीज़ हमारी यही मांग है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब गलत हो रहा है, हमारे पक्ष में निर्णय दीजिए, जो कुछ भी करेंगे सब अच्छा ही करना, बस ठीक है। हां, भास्कर मार्केटमध्ये आमचं दुकान आहे आणि छोटं दुकान आहे, आम्ही घरामध्ये 6 सदस्य आहेत, तर आमचं फक्त दुकानावरच चालतंय, मुलगा शिक्षणाचा आहे, मुलगी लग्नाची आहे, हे लोकांनी जर असे कामं केले, आमचे जर दुकान आमच्यापासून हिसकावून घेतले, तर आम्ही काय करायचं? कोणाकडे बघायचं? कोणाच्या तोंडाकडे बघायचं? आम्हाला न्याय हवा आहे, आम्हाला न्याय द्यायला पाहिजे। मस्त, थँक्यू। माझं फुले मार्केटला काळे धारे की मी, माझा 40 वर्षापासून दुकान आहे, आता आमचं आम्ही घरामध्ये 9 लोक आहेत, त्याच्यावरच अवलंबून आहे। आता यांनी एक एक दुकानाला 30-30 लाख रुपये भाडं दिलेले आहे, आता 30 लाख रुपये आम्ही कुठून भरायचे? माझा मुलगा 3 दिवस झाले, म्हणजे आम्ही त्याला दवाखान्यातसुद्धा नेऊ शकत नाही, 3 दिवस झाले, अगदी उपासमारीची वेळ आलेली, याला कोणीतरी यांनी दखल घ्यावी आणि आमचे हक्क कोणाला तरी ऐकू जावी। इस तरीके की समस्याएं जो है ये सभी तरफ है, महिलाएं यहाँ जो है इनकी खुद शॉप्स हैं और इनको भी परेशानियां हैं, किस तरीके से ये घर चला रही है ये इनको पता है, लेकिन इस प्रशासन जो है यहाँ जहाँ जलगांव महानगर पालिका है वो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस इनसे लेना चाहती है, इनका फैसला जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए, तभी सब कुछ सही हो पाएगा। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हम सब एक है, हम सब एक है। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, हम सब एक है, हम सब एक है, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, हम सब एक है, हम सब एक है, व्यापारी एकता, गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।